ऑल राइट सो गाइज, मैं आपका फ्रेंड उड़ता गबरू। आपने मेरे को देखा होगा, मैं वीडियोस बनाता हूँ मार्केटिंग की, प्रमोट करता हूँ। और कुछ टाइम पहले मैंने कुछ ऐसी भी वीडियोस बनाई थी, लाइक बाबा का ढाबा, झलगोरी वाले बाबा, उनकी काफ़ी हेल्प हुई थी वीडियो के थ्रू। और लॉकडाउन के बाद ना एक ट्रेंड चल गया था कि जो भी लोग ऐसे परेशान हैं उनकी हेल्प करने के लिए लोग आगे आ रहे थे। तो मैं वैसे तो आप लोगों की हेल्प करता हूँ, आपको बेस्ट मार्केट प्लेस दिखाता हूँ, बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा इस बारे में, या नहीं भी पता होगा तो मतलब मैं टूट चुका हूँ भाई। आप लोगों से इस वीडियो में बस हेल्प ही मांग सकता हूँ, और आपके और हमारे सपोर्ट से क्या होगा उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, पूरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं मैम के पास आ गया हूँ। ये बहुत क्यूट सा बेबी जो आप देख रहे हो आज की वीडियो में, ये आज की पूरी वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है। इसका नाम होने वाला है आयांश, है ना, और ये इनकी मदर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो इस टॉपिक पे, एक ऐसी बीमारी हम लोगों के आसपास ही है इतनी खतरनाक, और काफ़ी लोग इसे नहीं भी जानते होंगे, कि जिसके इलाज में 16 करोड़ रुपये लगते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था। और क्योंकि ये नॉर्मल सुनाई नहीं देता, ऐसी ऐसी बीमारी हमारे आसपास नहीं सुनाई, बहुत रेयर डिजीज़ है, बट ये भी एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास, और हम लोग इससे नहीं भाग सकते। इतनी कीमत कोई मिडिल क्लास का मतलब कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 16 करोड़ बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है, सुनने में ही मतलब इतना बड़ा लग रहा है। तो मैम के साथ ये हुआ है, जो कि अयांश की बीमारी को ठीक करने के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। मैं आपको पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ। तो मैम आप बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना है और मैं आयांश की मदर हूँ। और आयांश जब 7 मंथ्स का था तो इसकी हमें इस डिसीज के बारे में पता चला था। हाँ जी। और 6 मंथ तक बैठे भी बाकी सभी नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। तो 7 मंथ में मैंने इसका नोटिस किया था कि इसका सिटिंग नहीं है, और रात में जिस पोजीशन में सोना, सुबह उसी पोजीशन में मिलना। तो फिर हमने इसको डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब डॉक्टर ने हमें इसके काफी सारे टेस्ट रिकमेंड किए थे, और इसके सभी टेस्ट भी नॉर्मल थे। फिर जब हमें फिर डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट नॉर्मल है, और जब तक कुछ नहीं निकलता है तब तक तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसके बाद हमें लास्ट में डॉक्टर ने इसका जेनेटिक टेस्ट करवाया, और जेनेटिक टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तब हमें डॉक्टर ने बताया कि आयांश की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये एक रेयर डिसीज है, SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये 6,000 से 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे को होती है, और इसका ट्रीटमेंट इंडिया में कुछ भी नहीं है, और जो भी ट्रीटमेंट है वो US से पॉसिबल है, और इसका एक ही इंजेक्शन आता है जो दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है जोलियंसमा। वो इसको 2 साल का होने से पहले अगर मिल जाता है तो बच्चे के क्योर होने के चांसेस पूरे होते हैं, ये हमें डॉक्टर ने बताया था। और 16 करोड़ तो मतलब कि सुन के हम लोगों को तो बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, कि लगा लीजिए हमने पूरी होप ही खो दी थी कि अब ठीक है जो भी होगा भगवान इसके भरोसे छोड़ते हैं। फिर हमने कुछ दिनों के बाद ही इससे नेशनल न्यूज पे पिया कामत है मुंबई से, वो भी 6 मंथ की बेबी थी उसकी, हमने न्यूज सुनी थी कि क्राउड फंडिंग के थ्रू उन्होंने 16 करोड़ कलेक्ट किए और उस बच्ची का इलाज चालू हुआ। तो हम लोगों को भी एक होप मिली कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो 16 फेब से लेकर अभी तक हम लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। तो गाइस मतलब काफ़ी लोगों ने हेल्प करी है, उसके लिए मैम ऑलरेडी आपको थैंकफुल है, बट अभी भी जो हमारा गोल अचीव होने में कितने 4.5 करोड़ का अमाउंट अभी भी उनका पेंडिंग है, और उसी के लिए मैं आज आया हूँ। मतलब सबसे पहले तो मैं थैंकफुल मैम को करना चाहूँगा कि मैम ने मेरे को इस लाइक समझा कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, आप मॉनिटरी हेल्प नहीं भी कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। हो सकता है आप हेल्प ना कर पाओ, बट आगे कोई ऐसा पर्सन हो जो हेल्प कर पाए या हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो।
तो मैं इसके बारे में ऐसे में एक जो रेयर डिजीज इसमें ना बच्चे को मतलब सीटिंग अभी जैसे मेरा बेटा 18 मंथ्स का हो गया है इसका सीटिंग भी नहीं है हाँ जी और इसकी आप ये स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे कि ये देखिए बिल्कुल बेंड इसकी जो ये बेंड होती जा रही है हाँ जी हाँ जी ये और इसकी मतलब की लेग्स जो है बिल्कुल लूज हो चुकी है मतलब हाँ ये लटक सी जैसे जाती है और ये डॉक्टर बोलते हैं कि जो डिजीज है ये प्रोग्रेसिव है इसमें बच्चे की बढ़ती चली जाएगी डे बाय डे हर पूरी मतलब की पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट आएगा इवन लास्ट में 2 साल के बाद तो जैसे बच्चे को ब्रीथिंग इश्यूज वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 साल का होने से पहले मिलना जरूरी है इसमें जो ब्रेन से जो कनेक्शन होते हैं वो कटने लगते हैं बच्चे के अभी इसके हैंड्स में है लेकिन पावर लेकिन ये भी धीरे धीरे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी इसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो क्योर होने के चांसेस ज्यादा हैं ठीक है नहीं तो अगर आप नॉर्मली हम देखते हैं तो 18 मंथ्स का बच्चा चलता है बिल्कुल चलता और अभी तो इसका सेटिंग भी नहीं है और मतलब उस हिसाब से काफी वीक भी आपने बताया है इसका वेट गेन नहीं हो रहा खाने पीने में दिक्कत होती है मोस्टली ये लिक्विड डाइट ही मैं इसको देती हूँ क्योंकि ये सॉलिड डाइट ले नहीं पाता बिल्कुल और काफी लोगों को मतलब इस डिजीज के बारे में पता लगता होगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते ना मैम के ये सुनने के बाद ही पता ही नहीं है कि 16 करोड़ की भी मेडिसिन आती है और SMA करके एक बीमारी भी है हम लोगों को भी नहीं पता था जब अयांश का हम लोगों को पता चला उसके बाद ही जब हमने डॉक्टर ने हमें समझाया और हमने गूगल पे भी देखा कि हाँ भी ऐसा भी कुछ होता है ठीक है सो गाइस मतलब ऐसे और भी कितने केसेस हो गए हमारे भारत में और ये तो मुझे पता है कि मतलब हम भारतीयों में ये होता है कि कोई चीज ठान लेते हैं तो करके रहते हैं और मैंने ये चीज ठान ली है कि मैं अयांश को बचा के रहूंगा और पूरा सपोर्ट रहेगा और बाकी यूट्यूबर से भी मैं अपील करता हूँ पूरी स्टोरी मतलब काफी जगह शेयर हो चुकी है फरा मैम ने और सोनू सर ने भी काफी सोनू सर ने फरा मैम ने गीता कपूर मैम ने अभी केबीसी में भी अयांश का आया था तो उससे भी हम लोगों को काफी सपोर्ट मिला है और सबसे बड़ी बात तो एक हमारा मतलब की लोगों का ट्रस्ट हो गया कि अभी जेन्युइन केस है क्योंकि लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और मतलब इतना क्यूट बेबी आप देखो बिल्कुल बहुत प्यारा और ये भी मतलब अभी इसको पता नहीं है कि इसके साथ ऐसी कुछ बीमारी है ना आगे जाके इसको फील होगा तो मतलब काफी बुरा लगेगा कि मैं दूसरे नॉर्मल बच्चों जैसा क्यों नहीं है ना बट ठीक है मैं हर यूट्यूबर से अपील करूंगा कि गाइस वीडियो शेयर कर सकते हो और ये हमारा जो गोल है ये हमें पूरा कराना है अभी बहुत कम समय बचा है मतलब अराउंड 18 मंथ्स का ही हो चुका है 18 मंथ्स का ये हो चुका है एक्चुअली इसकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है ठीक है तो हम लोगों के पास हार्डली 3-4 मंथ्स ही हैं कि इसका हमारा 5 डेज हो जाए और बच्चे को ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाए ठीक है तो अभी मतलब काफी कम टाइम बचा है आप लोग सपोर्ट कर सकते हो बट मैं बिलीव है मेरे को अपनी YouTube फैमिली में और जो भी सारे मेंबर्स मेरे को देख रहे होंगे मैं उनसे अपील कर रहा हूं गाइस ऐसे और भी हो गए पेशेंट्स बट जिनके बारे में हमें पता नहीं होता अब इस केस के बारे में हमें पता लगा है तो हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे बट मैम रियली मैं बोलूँगा आपने बहुत बड़ी एक हिम्मत करी है आगे बढ़ के बहुत मतलब सल्यूट है जी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने 11.5 का टारगेट अचीव कर लिया है और रिमेनिंग अमाउंट जो भी है प्लीज आप सब हमें सपोर्ट कीजिए ताकि अयांश का जो टारगेट है जल्दी से जल्दी अचीव हो सके और इसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और अयांश भी बाकी सभी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ जी सके थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट ठीक है सो गाइस अब फाइनली अपने जो अयांश के फादर है मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ तो सर कैसे हो आप सब अच्छा है हाँ जी मैं तो शुक्रगुजार हूँ जनता का जो मुझे प्यार मिलता है और मिला है और बिल्कुल और जो मेरे बच्चे के लिए आगे आ रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए सहयोग कर रहे हैं हाँ जी और हम बहुत मेहरबान हैं उनके क्योंकि ये सहयोग जो हमारे पास पहुँच रहा है इनके बिना हम पॉसिबल ही नहीं हो सकता था बिल्कुल बिल्कुल और सर मैं तो ये कहना चाहूँगा मतलब आपकी भी एक बहुत बड़ी हिम्मत है क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट सुन के कोई भी आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता तो आपकी भी एक बहुत बड़ी इसमें हिम्मत मैं कहूँगा कि मतलब दाद देनी चाहिए आपकी हिम्मत की कि आपने ये स्टेप लिया और बाकी लोग भी जैसे आपकी तरह कोई हो गए तो उनको भी मैं बोलूँगा कि उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए ठीक है कोशिश करते हैं तो ही आगे जाके कुछ सॉल्यूशन मिलता है आप अगर
ऐसे सोच के हो जाते कि नहीं यार मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों करा। सबका यही प्रश्न था कि अभी 16 करोड़ जो है कैसे इकट्ठा करोगे, कैसे करो, कितना पैसे आप जोड़ लोगे। बिल्कुल। मगर जब बच्चे को चेहरा देखते हैं हम रोज, तो हमसे भी एक मतलब मदर फादर जो है हमारी भी एक ड्यूटी है कि जब पूरा एक बच्चे को स्वस्थ दे सके। और हमारे पास इसके, क्योंकि इसकी बीमारी का पता हमें 2 साल से पहले ही पता, 8वें महीने पता चल गया था। और अभी एफर्ट जो हम लगा सकते हैं, और ये एफर्ट जो है जनता के सहयोग के बिना भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार एक टूट गया था, क्योंकि हमारा फंड एकदम रुक गया था। फिर जब हमारे साथ जो फराह मैम, अमिताभ बच्चन जी, सोनू सूद जी, जब इन्होंने अपनी वीडियो दिया बच्चे की बीमारी के बारे में सुना, और हमारे को मतलब एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने हमारे को अपील वीडियो दिया और जनता के सामने हमारा मैसेज हर जगह स्प्रेड किया। और अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम 5 करोड़ जो है शॉर्ट हैं फंड से, क्योंकि हमें इनका बच्चे के पास समय कम है, ट्रीटमेंट दिलवाना है, और आपके सहयोग के बिना ही होगा। क्योंकि आप प्लीज़ अगर ये मैसेज हमारा आप हर परिवार पर पहुँचाते हो, हर देखता है, तो हम बच्चे का एक जीवन बचा सकते हैं। ऑलराइट सो गाइस, ये वाली लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सर इसमें बताइए थोड़ा कैसे हो पाएगा वर्किंग इसकी। ये एक हमारा क्राउड फंडिंग का लिंक है, जिसमें जिस जिस सोर्स से हम क्राउड फंडिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो हम रेज कर रहे हैं। हाँ जी। और इस लिंक में आपको अयांश के पूरे डिटेल्स का भी मालूम होगा। हाँ जी। कि हमारे को किस किस सेलिब्रिटी ने भी सपोर्ट किया है। हाँ जी। फराह मैम, सोनू सूद, श्रिया सरन, गीता कपूर, गीता फोगाट। हाँ जी। और हमारा मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके इंस्टाग्राम। हाँ जी। और जो दवाई की क्या कॉस्ट है, क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। और इस अगर मैं लिंक के बारे में बात करूं, इसमें अयांश का एक पर्सनल अकाउंट भी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसके ये एक माइनर अकाउंट है जो स्पेशली इसके हेल्थ कोर्स के लिए ओपन कराया हुआ है। ठीक है। और फाइनली जब हम मेडिसिन का ऑर्डर करेंगे तो अयांश के अकाउंट से ही जाएगा। और दूसरा जो है इम्पैक्ट गुरु है, और इस मतलब कोई भी हमारे साथ अगर कोई भी सपोर्टर डोनेट करता है तो उसको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी 80G के तहत। ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे इम्पैक्ट गुरु में ये एक आपको उस वाले पेज पे ले जाएगा जो आप डोनेट कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें 6 करोड़ 90 लाख तक जुड़ चुका है। ठीक है। और इसमें डोनेट नाउ का बटन है। हाँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप पूरे किसी भी ऑप्शन जो है किस मोड से देना चाहते हैं। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें एक ऑप्शन आता है जो बेसिकली टिप काटते हैं वो। हाँ। तो आप इसको अगर अवॉइड करना हो तो आप यहाँ खोल के इसको अदर करके तो आप इसको जीरो कर सकते हैं। हाँ। दोबारा से जाना चाहूँगा। हाँ जी। ऐसे ही हमने एक मिलाप में भी ओपन कराया है। हाँ जी। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ जो भी फंड है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है सब पब्लिक को, डोनर्स को, हमारे सपोर्टर्स को। हाँ जी। ये कीटो का है जो कीटो से भी हम जुड़े हुए हैं। अगर मैं कीटो को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि 7 करोड़ जो है इम्पैक्ट गुरु में हम रेस कर चुके हैं अराउंड। और इसके अंदर अभी इसमें भी हम मतलब 4 करोड़ 8 लाख जोड़ चुके हैं। हाँ जी। ठीक है। और ये मतलब इससे अपडेट होता रहता है। अपडेट होता रहता है एवरीडे, मतलब कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है। और कितने डोनर सपोर्टर हमारे साथ जो है सहयोग कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और किसने हाईएस्ट डोनेशन दिया वो भी है। इसमें ये गो फंड भी है यूएसए जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए है। हाँ जी। तो इसमें भी आप फंड देख सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कोई अगर बाहर से देख रहा है आउट ऑफ इंडिया, वो हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारा जो भी फंड है पूरा संस्था में ही है, और हम मतलब अब फंड इतना नजदीक आ रहा है कि हम बच्चे को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए एबल हो जाएंगे। हाँ जी। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब चीज जो है मतलब सबको मालूम है कि हम बच्चे के हेल्थ के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है।